मुमरा स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर बन रहा है मुमरा का पहला टाउनशिप प्रोजेक्ट डीजेड सिटी, जो कि नए एमएमवेली रोड का पहला प्रोजेक्ट है, जहां आपको मिलेगी कंप्लीट कनेक्टिविटी। क्वालिटी और टाइम दोनों को ध्यान में रख डीजेड सिटी का काम फुल स्विंग में चालू है। अब तक ग्राउंड प्लस 2 शॉप्स रेडी होने पर है। स्कूल्स, मार्केट, स्टेडियम और हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज डीजेड सिटी के करीब अवेलेबल है। डीजेड सिटी ऑफर करता है फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स, ताकि आप अपने सपनों का घर आसानी से ले सके। डीजेड सिटी के बारे में जानने के लिए उनकी सेल ऑफिस विजिट करें या दिए गए नंबरों पर कॉन्टेक्ट करें। ब्लैकमेलर बगुला जोड़ी अहमद चिंदी नाज गोलंदाज को शहर के पत्रकारों की चेतावनी, पुलिस को ज्ञापन देकर की कार्रवाई की मांग, पत्रकार आरिफ खान के खिलाफ झूठा आरोप लगाने का मामला। तरफिक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 19 अगस्त रात के समय मुमरा पुलिस स्टेशन के बाहर मुमरा पुलिस स्टेशन द्वारा लगाए कैमरे के बीच शहर में कुख्यात बिहार से एक लड़की को बुलाकर उसका धर्म परिवर्तन करने वाले आरोपी, ब्लैकमेलिंग करके पैसा ऐंठने के लिए गिरोह चलाने वाले कुख्यात अहमद नेता उर्फ चिंदी, नाज गोलंदाज उर्फ नाज अहमद खान, ये दोनों मियां बीवी, इनके कुछ साथी भी है, ये सभी मिलकर के वॉइस ऑफ हिंदुस्तान के एडिटर और हिंदुस्तानी रिपोर्टर के साथ काम करने वाले पत्रकार आरिफ खान पर झूठा आरोप लगाते हैं। उसका एक वीडियो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से भाजपा नेता रीदा रशीद की पत्रकार परिषद पुलिस स्टेशन के बाहर खत्म होने के बाद इन्होंने ये सारा मनगढ़ंत मामला रचा। खुद फोन पर ये अहमद चिंदी कह रहा है थोड़ा नाटक कर तो पुलिस आएगी, यानी पूरा ताना बाना रच करके आरिफ खान के खिलाफ जाकर के झूठी शिकायत करने का यहां पर इनका प्लान था, और ऐसे प्लान रचने में ये माहिर है। साथ ही इन्होंने जब पत्रकार सुल्तान रिजवी ने अपने चैनल पर इसके संबंध में खुलासा करने वाली और झूठा आरोप होने वाली खबर चलाई, तो उन्हें अपशब्द कहते हुए, शहर के सारे पत्रकारों को अपशब्द कहते हुए इन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा कि अब सारे पत्रकारों को हम सबक सिखाएंगे, उनपे मामले दर्ज कराएंगे और इनको हम छोड़ेंगे नहीं। तो शहर के सारे पत्रकारों को अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, शायद मुमरा पुलिस को या थाने पुलिस को पता नहीं इनसे क्या प्यार मोहब्बत है, जो इनकी हर झूठी शिकायत मुमरा पुलिस दर्ज करके लेती है, चाहे वो एनसी हो चाहे वो एफआईआर हो। तो क्या वजह है, क्योंकि कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ इन्होंने आज तक झूठी शिकायतें अर्जियां की है। झूठी शिकायत अर्जियां करने के बावजूद मुमरा पुलिस, थाने पुलिस इनको सर बिठाए रखती है। बिहार से लड़की के अपहरण का मामला, उसमें धर्म परिवर्तन का मामला जुड़ने के बावजूद जो है ये लोग दोनों ब्लैकमेलर बगुला जोड़ी पति पत्नी खुलेआम पुलिस में आते हैं, पुलिस को दबाते हैं और इस तरह की झूठी शिकायतें दर्ज कराते हैं। पत्रकारों को इन्होंने जो चुनौती दी है, अब शहर के पत्रकारों ने इसको स्वीकार कर लिया है। रविवार को इस संबंध में शहर के पत्रकारों ने एक ज्ञापन दिया मुमरा पुलिस को। मुमरा पुलिस को ज्ञापन देने से पहले क्या भूमिका थी वो बताएंगे आपको सुल्तान रिजवी, शहर के एक पत्रकार है अनवर कासिम शेख, इनके बारे में क्या कहा अनवर कासिम शेख ने वो भी हम आपको बता रहे हैं। ज्ञापन देने के बाद पुलिस स्टेशन के बाहर निकलकर पत्रकारों ने क्या कहा, हमारे साथी है हिंदुस्तानी रिपोर्टर से आरिफ खान की तरह, वो भी जुड़े हुए शाहिद शेख, इन्होंने क्या जानकारी दी, कैमरों में तमाम चीजें मौजूद होने के बावजूद मुमरा पुलिस झूठी एनसी या झूठी एफआईआर कैसे ले रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। पुलिस की भूमिका पर सवाल हम इसलिए उठाना चाह रहे कि जब आपको पता है, क्योंकि कल की ये सारी घटना के कई सारे वीडियोस हमारे पास हैं, आने वाली किसी न किसी खबर में हम पूरी तरीके से वो वीडियोस आपको दिखाएंगे, जिससे पता चलेगा कि पुलिस को खुद पता था कि ये शिकायत झूठी है, उसके बावजूद पुलिस ने ये शिकायत झूठी ली, ताकि पुलिस भी चाहती है कि ये ब्लैकमेलरों का गिरोह जो है वो अच्छे और सच्चे व्यवस्था के खिलाफ बोलने वाले पत्रकारों पर दबाव के तौर पर उनके इस्तेमाल में आते रहे। पहले ये राजनीतिज्ञों के लिए काम करते थे, अब ये वसूली बाज लोगों के लिए काम कर रहे, अब पुलिस का भी कहीं ना कहीं इस तरह से सहयोग कर रहे। तो पुलिस को निष्पक्ष रह के इस मामले में काम करना चाहिए, और इन्होंने आज तक जितने पुलिस निरीक्षकों के खिलाफ, सीनियर पीआई के खिलाफ, पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ झूठी शिकायतें की है, अन्य लोगों के खिलाफ झूठी शिकायतें की है, कई लोगों के खिलाफ इन्होंने अर्जियां की है और तोड़ पानियां की है, तो ये पूरी जांच थाने पुलिस करती क्यों नहीं है। खुद जोन 1 के डीसीपी गणेश गावड़े जी इस बारे में संज्ञान ले, इनकी पूरी समग्र जांच कराए और उसके बाद जो है
उचित कार्रवाई करे। हम हमारे साथी कोई भी पत्रकार अगर किसी भी तरह का गैर कानूनी काम या दुर्व्यवहार इनके साथ कर रहे हैं तो हम सजा के लिए हाजिर है, लेकिन पहले शिकायत सच्ची होनी चाहिए। हेलो, हाँ बोलना भाग जाएंगे, जवाबदार तुम लोग है बोलना। नहीं नहीं नहीं, हेलो हेलो, उसको पुलिस को भेज, पुलिस को भेज, कोई भी रहेंगे उसको नहीं तो। हेलो, 112 के ऊपर फोन लगा लगा दे। हाँ हेलो, हाँ भैया नहीं है, भैया नहीं है, मालूम नहीं। हाँ हाँ नहीं नहीं, हेलो नहीं नहीं नहीं, हेलो, अरे अरे सुनना मेरी बात, तू बोलना, वहाँ पर नाटक करना, उधर नाटक कर। इस वक्त हमारे साथ में बैठे हैं शहर के सीनियर पत्रकार अनवर कासिम शेख। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं कि जो इस वक्त माहौल चल रहा है मुमरा शहर में, एक बार फिर जो सुपारीबाज हैं लोगों को झूठे मामलों में फंसा करके और लोगों से पैसा लेने का काम करते हैं, इनकी क्या औकात है और इन्होंने किन किन पत्रकारों को अपने टारगेट में लिया, शहर के तमाम समाज सेवकों को, नेताओं तक तो नहीं छोड़ा है, लेकिन घटना जो कल की है, हिंदुस्तानी रिपोर्टर की संवाददाता आरिफ खान पर ये झूठा आरोप लगाया कि उन्होंने नाज गोलंदाज को देख करके गलत हरकत किया और वो शिकायत करने गए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए और वो इस तरह तिलमिला गए कि उनको अब कुछ सुझाव नहीं दे रहा है। अब वो जो है पत्रकारों को सीधे अपने टारगेट पे लिए हैं और डीडीएस टीवी न्यूज पे खबर भी चली और उनकी असलियत बयां हो गई है। उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पे पत्रकारों को अपशब्द कहा है, अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया है। इसी संदर्भ में आइए हम अनवर कासिम शेख, जो शहर के सीनियर सहाफी हैं, इन्होंने भी बड़ी बेबाकी से वो खबरें चलाई थी जब ये दोनों ने बिहार का सफर किया था उस, और वो दुश्मनी भी इनसे, मतलब उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट धमकी दी थी कि हम इनको भी नहीं छोड़ेंगे और जिसने भी मेरे खिलाफ खबर चलाई है, हम जब जेल गए थे धर्म परिवर्तन में
तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। तो आइए हम बात करते हैं कि इस संदर्भ में आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो इन्होंने ये सोशल मीडिया पे डाला है और पत्रकारों को जो है अपशब्द कहा है। अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान सर, जैसा कि जो भी मामला था हमारे शहर में के जो हालात चल रहे हैं वो यहाँ के शहरवासी भी अच्छी तरह जानते हैं, हमारे समाज के लोग भी अच्छी तरह जानते हैं। और हाँ, अभी मैंने इनका वीडियो देखा रात में, जिन इन लोगों ने जो पत्रकार आरिफ के साथ में जो भी इन लोगों ने बदसलूकी की, जो भी गाली गलौज किया, ये इनका कैरेक्टर है, ये इनका ये गलत गलत अल्फाजों का इस्तेमाल करना, गंदी गालियों का इस्तेमाल करना, तो ये इनके अपने घर की तालीम है इनको। हाँ, और जो ये कह रहे कि सुल्तान जी ने मार खाया ये खाया, तो ये सब इन दोनों की ही मेहरबानी है, क्योंकि उस वक्त इन लोगों ने विकास के मुद्दे की आड़ में इन लोगों ने जो 2 लाख का 6 लाख रुपया शानू पठान से वसूल करने का इन लोगों ने जो ये सब षड्यंत्र रचा था, इससे हम लोगों को भी पता नहीं था इस बारे में। इन लोगों ने एक साजिश रखी और विकास का नाटक रच कर शानू पठान के खिलाफ इन लोगों ने यह मामला बनाया था, जिसमें हम लोगों को भी धोखे में रखा गया था, क्योंकि इन लोगों को शानू पठान से 6 लाख रुपये की वसूली करनी थी। 5 साल पहले का मामला 2 लाख का, जिसका ब्याज मिला करके 6 लाख रुपए इन्हें शानू पठान से वसूल करना था। उस चक्कर में मेरा घर टूटा था, सुल्तान निधि पर हमला हुआ था, और भी बहुत सारे मामला हुए शहर में। और इन लोगों का ये पेशा है कि लोगों को धमकी देना, झूठे मामलात में फंसाना, झूठी कंप्लेटें करना, और शहर के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और उसके अलावा जब बिहार पुलिस इनको आकर के लेके गए, नाबालिग हिंदू लड़की जिसका अपहरण और धर्मांतरण के मामले में हम सभी लोगों ने न्यूज़ चलाया था, और ये लोग थाना से लेकर बिहार तक के इनके मामला दर्ज है, इन पर मामला दर्ज है, और इन लोगों ने इतने मशहूर हो चुके हैं, और इन लोगों के ऊपर काफ़ी आपराधिक मामले दर्ज है। और जहाँ तक मैं ये कहूँगा कि अभी हम लोग इंशाअल्लाह ताला हम सभी लोग पत्रकार मिलकर, और भी जिन लोगों के ऊपर इन लोगों ने झूठे मामला दर्ज किए, जिन लोगों से इन लोगों ने पैसे खाए, जिन लोगों के साथ इन लोगों ने जुल्म किया, हम उन सभी को लेकर के इंशाअल्लाह ताला अब उपोषण पर बैठेंगे। और ये बंटी और बबली ये जो जोड़ी है, अब इनके लिए हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे कि इन लोगों पर तड़ीपार्टी कार्रवाई की जाए। और आमद नेताजी, मैं आपको बता दूँ कि आपको ये जो आपने जो अल्फाज का इस्तेमाल किया, गलत गदल अल्फाजों का जो इस्तेमाल किया, दलाल वगैरह और भी कुछ कहा है तुमने, तो अहमद भाई ये सब तुमको शोभा नहीं देती है। और दूसरी बात तो ये सुन लो, मर्द वही होता है जो अपने परिवार को पालता है, परिवार के साथ और भी जिम्मेदारियों को पूरी करता है। तुम अपने आप को मर्द बोलते, तुम मर्द नहीं है, क्योंकि मर्द वो नहीं होता जो औरत को तो वसूली के लिए भेजा और औरत की कमाई खाए, घर में बैठ कर के औरत की कमाई खाए, उसको मर्द नहीं कहते अहमद भाई। हाँ, तो तुम्हारी भाषा में तुम समझ गए होंगे उसको क्या कहते हैं, हमारा शहर और हमारा समाज क्या कहता है ऐसे लोगों को, तो तुम खुद भी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन ये जो तुम कर रहे हो, और तुमने जो धमकी दिया था, जो तुम्हारी हम लोगों ने न्यूज़ चलाई थी अहमद भाई, कि मैं सब पत्रकारों को देख लूँगा जिसने मेरे खिलाफ़ न्यूज़ चलाई है, तो ठीक है, अभी जो तुम कर रहे हो आरिफ के साथ, कल हमारे साथ भी करने वाले हो, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला अभी हम लोग तुम्हारे हर मामला में तुम्हारा खुल के फेस करेंगे, और हम लोग कोई कानून हाथ में लेंगे ना, कोई कानून का उल्लंघन करेंगे, हम लोग कानूनी तरीके से तुम्हारे को सबक सिखाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला ज़रूर तुमको सबक सिखाएंगे और तुम्हारी चर्बी ज़रूर उतारेंगे अहमद नेता, ये मेरा वादा है। और अभी हम लोग इसके खिलाफ जहां तक भी हमको जाना पड़े ऊपर तक हम जाएंगे, और तुम लोगों के लिए तड़ी पार्टी मांग करेंगे, क्योंकि हमारे शहर में तुम, हमारे शहर और हमारे समाज के लिए तुम दोनों बंटी और बबलू हानिकारक है, और तुम खतरनाक हो हमारे शहर और समाज के लिए। हमारे शहर के सभी लोग इनके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि इन लोगों ने कितने लोगों के खिलाफ झूठे एलिगेशन किए, झूठे मामला दर्ज कराए हैं। अगर देखा जाए तो इनका इतना सारा पलंडा जो मुमरा चौकी में मौजूद होगा, मैं प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये विनंती करता हूँ कि इनके बारे में कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमारे शहर में डर का माहौल बनाया हुआ इन लोगों ने बनाया है, और हर पत्रकार को ये धमकी दी जा रही है, जो भी इनके खिलाफ न्यूज़ चलाएगा उसके ऊपर ये झूठे मामला दर्ज कराएंगे, उसके खिलाफ ये पत्र व्यवहार करेंगे। तो प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे शहर के वातावरण को बनाए रखते हुए और हमारे शहर के वातावरण को ध्यान में रखते हुए इन लोगों पर ज़रूर कार्रवाई की जाए,
क्योंकि इन लोगों का बहुत आतंक हो चुका है हमारे शहर में, अब हद से ज्यादा हो चुकी है ये बात। दर्शकों, हमारी बात हो रही थी जो शहर के सीनियर सहाफी हैं अनवर कासिम शेख, और ये यूट्यूबर नहीं हैं, पत्रकार ही हैं, और हमारे शहर में जितने भी हम जो है सोशल मीडिया चला रहे हैं और यूट्यूबर हैं उनको पत्रकार ही कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। सबके पास सर्टिफिकेट है जो हमारे साथ में है शहर के, और सबके पास सारा प्रूफ है। यूट्यूबर नहीं कहना है, वो पत्रकार ही हैं। इन्होंने पूरी बातें रखी और बड़ी बेबाकी से जो है इन्होंने अपनी बात कही है। दर्शकों, और जो शासन प्रशासन के उच्च अधिकारी हैं, हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि हम पत्रकार हैं, हम कोई कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, न हम सुपारीबाज हैं, और न हम झूठा FIR करके ब्लैक मेलिंग करते हैं, और न धर्मांतरण को लेकर के पैसे वसूल करते हैं। हम एक सहाफ़ी हैं और कानून का सहारा लेंगे। जो भी कार्रवाई होगी वो कानून के तरीके से होगी, और हमको उम्मीद है कि जो उच्च अधिकारी हैं, हमारे कमिश्नर साहब हैं, वो जयजीत सिंह साहब हों या DCP गौड़े साहब हों या एडिशनल CP साहब हों या हमारे मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर कुलहटकर साहब हैं, सब जो है बाकायदा कानून को देखते हुए और प्रूफ के साथ जो भी रहेगा वो कार्रवाई करेंगे, झूठी कार्रवाई नहीं करेंगे, पूरी उम्मीद है। लेकिन अब जो है शहर जान चुका है कि इन दोनों झूठों का किस तरीके से बोलबाला है, लेकिन अब इनका बोलबाला कैसे खत्म होगा। शहर के जो पत्रकार हैं वो मैदान में आ चुके हैं, और उम्मीद है कि पुलिस इन पर कार्रवाई करे। सुल्तान भाई, आज शहर के पूरे पत्रकार आए, क्या मसला है, क्या संदेश? आज हम लोग हमारे शहर के सभी सम्मानित पत्रकार मिल करके एक पत्र दिया है जो मुमरा शहर में है। अयमन नेता और नाज गोलन दास जो यहाँ के पत्रकारों के पीछे पड़े हैं, कभी वो नेताओं के पीछे पड़े रहते हैं, कभी समाज सेवकों के, आज वो पत्रकारों के पीछे पड़ गए हैं और शहर का माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं। और क्योंकि जब ये बिहार गए हुए थे तो यहाँ के पत्रकारों ने उनके खिलाफ खबर चलाई थी, जिसने चलाई थी उनके भी, और जिसने नहीं चलाई थी जो खबर चलाने वालों के साथ में उनसे भी दुश्मनी ले करके, अब वो कह रहे हैं कि सबके ऊपर मैं FIR दर्ज कराऊंगा और किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इसी उद्देश्य से आज जो है हम लोगों ने एक कंप्लेन दिया है, यहाँ अभी शिकायती पत्र दिया है मुमरा पुलिस स्टेशन में, और आज संडे है, इसकी वजह से कोई अधिकारी है नहीं, सीनियर साहब नहीं थे, लेकिन यहाँ पर जो ड्यूटी ऑफिसर थे उनको कंप्लेन दे दिया है और कार्रवाई की मांग की गई है। आगे भी हम पत्रकारों की कार्रवाई जारी रहेगी। कल जैसे जो है पत्रकार आरिफ खान पर झूठा आरोप लगा करके उनको फंसाने की साजिश रची गई, लेकिन वो साजिश नाकाम हो गई, लेकिन इन लोगों की तिकड़मबाजी चल रही है। लेकिन मुमरा शहर के पत्रकार अब ये नहीं चलने देंगे और सब एक साथ मिल करके एकजुट होकर के ये लड़ाई लड़ेंगे। क्या समझ में आया आपको, क्या है ये मुमरा शहर में? मुमरा शहर में कैसा है, ये दो धर्म परिवर्तन कराने वाले जो लगातार सारे पत्रकारों को टारगेट करते हैं, इनका मकसद ये है इनके हाथ के नीचे दबे चलो। मगर पत्रकारों ने जब इनने धर्म परिवर्तन का जो काम किया था, बिहार पुलिस ने इन्हें अरेस्ट करी थी, तो उसमें आरिफ खान ने इनकी वीडियो बनाई थी कोर्ट के बाहर, तो इन लोगों ने सारे पत्रकारों को धमकी दी थी आने के बाद हम यहाँ एक को भी छोड़ेंगे, तो उसका कल इन लोगों ने आगाज किया है। मुमरा पुलिस स्टेशन के बाहर आरिफ खान खड़े हुए थे, और यहाँ मुमरा पुलिस स्टेशन का जो कैमरा है ये इसकी गवाही है, और हमारे रिजवी भाई ने कल न्यूज़ भी चलाई थी, उसमें भी हमने दिखाया है, वो न्यूज़ में भी उन्होंने बताया है किस तरीके से वो टारगेट बनाए हुए थे, और NC नहीं लेंगे तो अंदर जाके नास को लेट जाना है, रोना है, ये सब उन लोगों ने प्लानिंग किया था, और वो भी हमने कल रिजवी भाई ने अपने चैनल द्वारा दिखा दिया है। और आज भी जो पत्रकार यहाँ सारे जमा हुए हैं
ये भी जब न्यूज़ चलाएंगे तो ये इसे दिखाएंगे, मगर ये हर एक को इसी तरीके से टारगेट करेंगे। मगर आरिफ जो है उसकी, आरिफ की जो बेगुनाही है, ये मुमरा पुलिस का कैमरा है। आरिफ वहाँ खड़ा था, ये आरिफ से दूर खड़े थे, मगर आरिफ को आके टारगेट किया गया और अंदर ले जाने के बाद अंदर काफ़ी लोगों से टारगेट किया गया। जैसे मैं खड़ा था, मुझे भी टारगेट किया गया, दूसरे जो पत्रकार साथी मेरे जो यहाँ मौजूद है उन्हें भी टारगेट किया गया। जो आप लोग इस मसले में बोलेंगे तो हम आप पे भी FIR दर्ज करेंगे। पहले से तो टारगेट पे थे, कल भी धमकी दी गई, तो इसलिए हमने पत्र व्यवहार किया है और आगे भी ये लड़ाई चालू रहेगी। हम इसी तरीके से इस लड़ाई को जारी रखें। अनवर भाई, रियासत भाई, अभी जो इन लोगों ने कल से जो पहल की है, इंशाल्लाह अभी हम लोग भी पूरी तरह से मजबूत है और इनका हर तरह से सामना करने को हम लोग तैयार है। हम लोग कानून की मदद लेंगे और इनको आप सबक सिखाएंगे, क्योंकि इनका इतना आतंक हो गया, हर पत्रकार को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। हम लोग झूठी FIR करेंगे, झूठे मामलात में फंसाएंगे। जिस तरह शहर के कई लोगों को इन लोगों ने ब्लैकमेल किया है, शहर के कई लोगों को ब्लैकमेल करके पैसे की वसूली की है, इंशाअल्लाह ताला भी हम लोग सब एक साथ मिलकर इस कानूनी लड़ाई को कानूनी तरीके से लड़ेंगे और इनको सबक सिखाएंगे इंशाअल्लाह।